वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है और ये जैसे 27 का इंटरनल चॉइस है, ठीक है ना। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल को, तो सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा अब जैसे यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जैसे लास्ट न्यूमेरिकल था, ठीक है ना, तो जैसे मतलब उसका इक्वेशन ऑफ प्लेन का एक रिजल्ट आया था, ठीक है ना, कुछ इस तरीके, मतलब पहले पार्ट को उसके भी दो सब केस कह सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके से, मतलब वहाँ पर हमने सिर्फ कार्टिजन इक्वेशन लिखी थी, ठीक है ना, मतलब एक ये स्टेप रह चुका था उस न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। मतलब वेक्टर इक्वेशन भी लिखनी थी, तो लिख सकते हो ना डायरेक्टली किसी इक्वेशन ऑफ प्लेन से, ये जैसे कार्टिजन इक्वेशन है, ठीक है ना। तो वेक्टर इक्वेशन लिखने का डायरेक्ट तरीका ये जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड, तो मतलब ये आर वेक्टर, ठीक है ना, सही है। उसके बाद डॉट इनका वेक्टर बना दो, 5, 2, -3 का, 5, 2 और -3 का वेक्टर बना दो। किस तरीके से, ये डिस्टेंस है, इनके रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई इस तरीके से करनी थी, सभी को ऐड, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस रहेगा, ये दूसरा वेक्टर, राइट हैंड साइड में 17, ये है, बताओ, सही है। सिंपल सी चीज़ें याद रखा करो कि मतलब एक्स वाई जेड से, मतलब ये जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट से वेक्टर आर वेक्टर बनता, बेसिक बात है। ये डॉट प्रोडक्ट है और ये इन कोफिशेंटों को अलग कर दो, वेक्टर बना दो उसका, सही है। तो इस तरीके से, तो अभी यहाँ पर सॉल्यूशन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, कंटेंस लाइंस है, अब इसके बाद कोई पॉइंट है, ठीक है ना, आगे अगली स्टेटमेंट है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले सोल्व करो, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने वेक्टर है कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लाइन है, ये क्या है, लाइंस, लेकिन एक दी हुई है, तो इस बात का मतलब न्यूमेरिकल यहीं से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, या फिर ट्रिक की भी कह सकते हो, किस तरीके से, कि ये बताई थी आपको कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये है। वैसे नजर आएगी सिर्फ एक, लेकिन है दो, क्यों, चलो समझ लो कुछ इस तरीके से, कि जैसे ये प्लेन है समझने के हिसाब से, उस पर ये है, चलो इसको वन मान लिया समझने के हिसाब से, कोई लाइन है या फिर इस तरीके से, हमें नहीं पता वो कि का से पास ये, मतलब इस तरीके से क्यों माने, इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना आप, समझने के हिसाब से सही है। लेकिन ये क्या होता है किसी लाइन के, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लेमडा बी वैक्टर, कह सकते हो वैक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है, तो मतलब ये बी वैक्टर है, और बी वैक्टर क्या था, किसी लाइन के पैरल एक दूसरी लाइन, सही है। अब ये थोड़ा सोचो, अब चलो इस ज्योमेट्री को, हो सकता है ये यहाँ पर ना समझना चाहो, इस तरीके से समझ लो ये प्लेन है, सही है, इसके ऊपर कोई लाइन है, सही है। अब जो इसके एक पैरेलल हो क्या एक लाइन को या फिर वेक्टर को, अब वो जरूरी थोड़ी ना उसी प्लेन पर हो, इसके पैरेलल जैसे समझने के हिसाब से ये उसके ऊपर है, इसके पैरेलल ये हो सकता है, बिल्कुल सही है ज्योमेट्री, सही है। लेकिन इसके ऊपर भी तो हो सकता ना, तो बस यहीं से, तो इस एस का मतलब क्या था यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ो, इसी से सोल्व होगा ये न्यूमेरिकली, ये भी खास बात है इसकी, क्यों, अब जो इसकी पहली चॉइस थी, ठीक है ना, उसमें जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन हम चलो लिखना चाहो, जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्टली, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट कुछ चीज़ों की कमी रहेगी, ठीक है, मतलब यहाँ पर इस तरीके वर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन वो आप अच्छी तरीके से लिख लेना, यहाँ पर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे इस वजह से, सही है। इक्वेशन ऑफ प्लेन ये जैसे पासिस थ्रू का ये कोई सिंबल नहीं होता बुक में, ठीक है ना, ये सिर्फ समझने के हिसाब से ये पॉइंट है, ठीक है ना, तो इस तरीके से, सही है। तो अब ये चीज़ लास्ट पार्ट में डिस्कस हो चुकी है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन किसी एक पॉइंट से ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वो वाली चीज़, ठीक है ना, यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, एक्स वन ये है तो माइनस एक्स वन था, तो कैलकुलेशन से ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन 3 है, प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड 1, तो ये हो जाएगा, सही है। मेन चीज क्या है इसमें, ये आंसर आपका बिल्कुल सही बात है, कब, जब ए बी सी निकल आए, सही है, सिंपल सी बात है। तो अब थोड़ा सोचो ए बी सी कब नजर आएंगे, कि कम से कम दो इक्वेशन हो, ठीक है ना, वैसे तो जितने वेरिएबल हैं जैसे ए बी सी सोल्व करने हैं, मतलब जितने वेरिएबल हो कम से कम उतनी इक्वेशन हो, लेकिन 23-12 में क्या होता है, 23-12 के मेथड में, कि तीन वेरिएबल को हम केवल दो इक्वेशन की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, बेसिक बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका दूसरा नाम होता है, सही है। तो मतलब दो इक्वेशन नजर आए, दो कब आएंगी, जैसे लास्ट में तीन पॉइंट दिए हुए थे प्लेन के ऊपर, तीन पॉइंट है, स्टेटमेंट चेक कर सकते हो आप लास्ट पार्ट के अंदर, ठीक है, कंपेयर कर लेना मतलब दोनों न्यूमेरिकल को, ठीक है, तो इस तरीके मतलब दो होनी चाहिए। तो अब ये समझ में आ रही होगी ना, ये दो का मतलब है, इसकी हेल्प से तो ये लिख लिया, तो मतलब यहां पर दो कहां है, एक ये रहा,
ये प्लेन पर, मतलब ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या है, उस पर कोई पॉइंट, जैसे ये मान लो हम इसको इक्वेशन, मतलब ये लाइन समझ रहे हैं, चलो एल एल लाइन है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर पॉइंट हमें पता है इसकी हेल्प से, सही है। तो मतलब किसी वेक्टर से पॉइंट लिखने का तरीका आई कैप जे कैप हटा दो, तो मतलब वन, फिर वन, जेड नहीं है, मतलब के कैप का कोफिशियंट नहीं है, तो मतलब जीरो, तो ये पॉइंट हो जाएगा, थ्री डी की बात हो रही है, सही है। तो मतलब ये पॉइंट लाइन पर है और लाइन प्लेन पर है, तो पॉइंट प्लेन पर भी तो है और प्लेन पर होने का मतलब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक ये चीज यूज हो जाएगी आपके काम की, सही है। तो मतलब ये पॉइंट डायरेक्ट इसकी इक्वेशन में पुट कर देना, बीच में वो सारी चीजें आप लिख देना कि मतलब जो ये अभी कही, ठीक है ना, कि लाइन प्लेन पर है, पॉइंट लाइन पर है, तो डायरेक्टली पॉइंट प्लेन पर भी हो गए, ये इस तरीके की बातें, ठीक है ना, इंप्रेशन वाली चीजें हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से तो डायरेक्ट अगर बात करो तो बस, और प्लेन पर पॉइंट एक्स वाई जेड, सही है, जनरल पॉइंट, तो मतलब एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू पुट कर देना, तो यहाँ पर पुट कर दे तो मतलब एक्स की जगह वन, ठीक है, तो वन प्लस वन कैलकुलेशन है, ठीक है, वाई की जगह वन, तो वन माइनस थ्री माइनस टू कैलकुलेशन है, यहाँ पर जेड की जगह जीरो, तो फोर सी हो जाएगा, सही है। लेकिन एक इक्वेशन और चाहिए, वो इसकी हेल्प से, अब ये समझ में आ रही होगी कि ये मतलब इस एस का मतलब था क्या, सही है, वो दूसरी भी उस पर है, जो ऐसे समझने के हिसाब से ये ज्योमेट्री कोई काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो सेकंड इक्वेशन इसे नहीं मिलती, अगर इस तरीके से समझते, सही है, तो ये पैरेलल भी उसके ऊपर है, तो बस इस तरीके से। और हो सकता है किसी को, मान लो जैसे हो सकता है कि कोई ये समझ ले, मतलब उसको ये ऐसा नज़र ना आए, ऐसा हो सकता है, तो क्या करो, सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है, अगर वो इतना सोच सकता है तो उसको ये भी पता होगा कि जब इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए लिखने के लिए तीन पॉइंट की जरूरत है, सही है, मतलब एक से तो हम लिख दें और दो की हेल्प से 23 बार अप्लाई होता है, मतलब दो चाहिए, दो कब होंगी, अब न्यूमेरिकल में और कहीं पर तो है नहीं, इसका यूज कर लो, बात वही है, ठीक है ना, तो मतलब ये इस तरीके से। तो बस एक बार यहाँ से इसका पॉइंट काम का है, ठीक है ना, तो इस तरीके से मतलब वन टू माइनस वन हो जाए अगर पॉइंट की बात करो, लेकिन ये गलत कह दिया, ठीक है ना, क्यों उसके भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके हेल्प से लिख दें, यहाँ पर पुट कर दे एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो मतलब एक बार एक्स की वैल्यू वन, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, वाई की वैल्यू टू, तो टू माइनस थ्री माइनस वन इंटू बी, ठीक है, उसके बाद माइनस वन प्लस फोर प्लस का थ्री सी हो जाएगा, कैलकुलेशन और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो मेन क्या है यहाँ पर कि ये पॉइंट क्यों नहीं है, ये डायरेक्शन रेस होती है, जैसे आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लेमडा बी वैक्टर, ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेस हो, अब ये बात बताई नहीं थी आपको, डायरेक्शन रेस हो का दूसरा नाम ये होता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, इसीलिए कही ये बात, ये है तो पॉइंट ही, सही है, तो इस तरीके, या फिर ये कह दो कि डायरेक्शन रेशो कि दो पॉइंटों का डिफरेंस है, वो भी बात सही है आपकी, ठीक है ना, कन्फ्यूज मत होना, ये बात आपकी बिल्कुल सही थी कि जैसे इसके अंदर ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट कह दो एक तरीके से दो पॉइंटों का डिफरेंस है, जैसे समझने के हिसाब से ये उसके पैरेलल थी, तो कोई जैसे रेंडमली सोच लिया समझने के हिसाब से दो पॉइंटों का डिफरेंस है, उसका नाम डायरेक्शन रेशो होता है, एक्चुअल तो डायरेक्शन रेशो की ये डेफिनेशन होती है इस वजह से, सही है। तो बस अब इसके बाद कैलकुलेशन है, आगे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, 23/12 किस तरीके से अप्लाई होता है, जो 27 का पहला पार्ट था, मतलब लास्ट पार्ट में आप चेक कर लेना, ठीक है ना, अप्लाई कर लोगे आगे कैलकुलेट कर सकते हो, सही है। तो इस तरीके मतलब अगर इसके आंसर की बात करें, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो जैसे इस तरीके से आंसर आ जाएगा, तो इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, तो मतलब ये कहाँ से आया, कैलकुलेशन से आया और कुछ नहीं, सही है। हाँ मतलब आगे, मतलब यहाँ पर बीच में कुछ स्टेप हैं, वो मतलब लास्ट पार्ट से आपको पता चल जाएगा 23/12 कैसे अप्लाई होता है, और कुछ नहीं कैलकुलेट करना, ठीक है, ए बी सी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे रिजल्ट आ जाएगा, सही है। चलो वेक्टर इक्वेशन लिखनी थी, बताया था ना वेक्टर इक्वेशन प्लेन की कार्टेशियन से लिखने का तरीका, एक्स वाई जेड तो आर वेक्टर बना देंगे डॉट, सही है, और इनको इनके कोफिशियंट काम की है, सही है, तो मतलब दूसरा वेक्टर बन जाएगा इनसे माइनस वन फिर वन फिर वन, और किसी ये पॉइंट है, और पॉइंट से वेक्टर लिखने का ये तरीका बताया था, अपनी अपनी एक्सिस पर इनकी मल्टीप्लाई, सभी को जोड़ दो, राइट हैंड साइड में जीरो कोई बात नहीं, तो इस तरीके से, सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके ये प्लेन की इक्वेशन, उसके बाद देखो आगे न्यूमेरिकल के, आल्सो फाइंड द लेंथ किसकी परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द पॉइंट, समझने के हिसाब से जैसे ये प्लेन था, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ये कोई परपेंडिकुलर की बात हो रही है किसी पॉइंट से,
सही है, कोई जैसे ये पॉइंट यहाँ पर समझने के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना आपने, सही है। अब थोड़ा सोचो, इस सिंपल सी बात है कि लेंथ का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस निकलता है 2.12 से, तो क्या यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? इतनी बात भी सच आपकी कि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब यहाँ पर एक कमी है, ये मत समझ लेना कि प्लेन पर जो पॉइंट है किसी एक के हेल्प से डिस्टेंस निकाल देंगे, हमें थोड़ी ना पता वो परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब अब जैसे इस पर ये तीन पॉइंट तो थे, ये गिवन था, ये भी न्यूमेरिकल में गिवन है, मतलब वो पॉइंट की सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी लाइन भी एक तरीके से उस पर है, प्लेन पर, ठीक है ना। मतलब तीन पॉइंट हैं, इतनी बात सही है, लेकिन तीनों पॉइंट में से कोई भी आपका काम का नहीं है, ठीक है ना, जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें थोड़ी नहीं पता समझने के हिसाब से, ज्योमेट्री के हिसाब से। चलो ये पॉइंट है, चलो डी पॉइंट मान लिए इसको, समझने के हिसाब से यहाँ पर डी पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर इनको ए बी सी नाम दे रहे हो, तो जैसे ए इन चॉइस है यहाँ पर ए बी सी, ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर फिर एन हो जाएगा, सही है। एन क्यों, अब ये कंसेप्ट था कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, प्ले लिस्ट के अंदर चेक कर लेना इसको आप 3D ज्योमेट्री की, ठीक है ना, ये कंसेप्ट। वहाँ पर हम मतलब समझने के हिसाब से एन पॉइंट लेके चल रहे थे प्लेन पर, ठीक है, उसकी भी चॉइस थी। एक तो मतलब अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला किस तरीके से बताते हैं, जैसे ये रिजल्ट आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन का, ठीक है ना, तो इस पॉइंट से आगे आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले डिस्टेंस वही है, नेगेटिव होता नहीं, मतलब ऊपर मॉडुलस फंक्शन। फिर आसान तरीका क्या बताया था कि पॉइंटों को डायरेक्ट ही उठा के इसमें एक्स वाई जेड की जगह पुट कर दो, सिर्फ फॉर्मूला याद रखने का तरीका था। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मतलब ये कोई ये चीज़ की मतलब उसकी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, कब, जब उस प्लेन पर हो, डी पॉइंट इस पर प्लेन पर नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखने का तरीका था, मतलब एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो किस तरीके से, ठीक है ना, हाँ उसमें एक बात काम की थी उस इस चीज़ में कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में ले आना, ठीक है, जैसे यहाँ पर तो जीरो है, ये तो तंग करें, मान लो कुछ और होता तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आनी पड़ती, ठीक है, ये भी बताता आपको। तो किस तरीके से, तो डायरेक्ट पुट कर दो एक्स की जगह, ठीक है ना, टू, तो -1 × 2, ठीक है, उसके बाद वाई की जगह 1, तो 1 × 1, ठीक है, और उसके बाद जेड की जगह 4 × 1, तो इस तरीके, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में, ठीक है ना, स्क्वेयर रूट लेना किसका, जो इनके कोफिशियंट है उनका स्क्वेयर करो, ऐड करते चले जाओ, -1 का होल स्क्वेयर 1, फिर 1 का होल स्क्वेयर 1 का होल स्क्वेयर, इस तरीके सभी को ऐड करना था। ये था आसान तरीका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से बात करना चाहते हो तो, सही है। हाँ यहाँ पर भी सेकंड चॉइस बताई थी आपको कि मतलब हो सकता फॉर्मूला याद ना हो, ठीक है, तो बस उसके लिए आपको बस थोड़ी कह सकते हो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए प्लेलिस्ट में चले जाओ, ठीक है ना, वहाँ पर जो 3D की है और इस कंसेप्ट की लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर, ठीक है, तो मतलब वहाँ पर क्या थी सेकंड चॉइस, उससे भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल का सोल्यूशन रहेगा, आगे कैलकुलेशन है यहाँ पर, तो इस तरीके से, तो इस तरीके, बस यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ये नजर आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ये कंफ्यूज मत होना, ये मतलब इस तरीके, मतलब ये चीज़ है कि डायरेक्शन जो मान लो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो कि क्या हम किसी तीनों में से कोई पॉइंट चूज कर सकते हैं, ये अपनी तरफ से ये चीज़ें मत ले लेना, ठीक है, वो चीज़ गलत है बस, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला था, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें थी कि मतलब ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखने का तरीका था कि एक्स वाई जेड की जगह वो पॉइंट की वैल्यू उठा दो, रख दो, ठीक है ना, और कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, यहाँ पर तो जीरो है, जीरो तंग नहीं करते, या फिर ये कह दो राइट हैंड साइड में जीरो बनाना होता है जब ये ट्रिक अप्लाई करते हो, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल का सोल्यूशन रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।